उसका, वो सबका है ना इनका उनका, वही शून्य है वही काय जिसके भीतर बसा शिवाय। जी हाँ, शिवाय फिल्म को 2 साल हो चुके हैं। कमाल की फिल्म थी और मैं बिना किसी डर के, बिना किसी बेरोक टोक से के ये कह सकता हूँ कि ये वन ऑफ द मोस्ट चैलेंजिंग, मोस्ट सरप्राइजिंग एक्शन फिल्म रही है बॉलीवुड की। इस फिल्म के ट्रेलर को मैंने 50 दफ़ा देखा है और आपको मैं ये दावे से कह सकता हूँ कि मैंने इसके अलावा किसी फिल्म के ट्रेलर को इतनी मरतबा नहीं देखा है। फिल्म भले ही मैंने बहुत ज़्यादा बार नहीं देखा, लेकिन इसका ट्रेलर इतना दमदार था और फिल्म अच्छी थी। नो डाउट भैया, फिल्म अच्छी नहीं थी ऐसा नहीं बोल सकता हूँ मैं, फिल्म बढ़िया थी। और ये सीन जो था ट्रेलर में, दिस एक्शन सीन ट्रेलर ऑफ शिवाय इज इट डन बाय अजय देवगन हिमसेल्फ, ये जो गाड़ी वाला सीन था ये वन ऑफ द बेस्ट सीन आई कैन सी। ये एक सीन और एक वो जब गाड़ी फटाक से आती है, वो गाड़ी की यहाँ पे की लेटा है तो एक छोटे से कुछ लोखंड जैसा आप आगे रख लेता ताकि उसके ऊपर से गाड़ी चली जाए, ये सब जो सीन्स थे ये अजय देवगन ने खुद किए भैया। बहुत बढ़िया ट्रेलर है, बहुत बढ़िया फिल्म है। 2 साल हो गया इस फिल्म को और ये फिल्म क्लैश हुई थी आई थिंक करण जौहर की फिल्म ए दिल है मुश्किल के साथ। उसके बावजूद ये फिल्म 100 करोड़ कमाई थी और उस समय डिमोनेटाइजेशन का मुद्दा आई थिंक बहुत ज़्यादा था और करण जौहर की फिल्म ने भी 100 करोड़ के ऊपर कमाई थी। इससे ज़्यादा करण जौहर की फिल्म ने कमाया था नो डाउट, बट उससे थोड़ा कम कमाया था इसने। बट ये फिल्म 100 करोड़ के बजट में बनी थी, अजय देवगन ने खुद इसे डायरेक्ट किया था और फिल्म कमाल की थी। कुछ और एक दो डायलॉग मैं जाता और चाहता हूँ कि आपको बताऊँ। आग बह तेरे रग में, तुझसा कहाँ कोई जग में, हर वक्त का तू ही तो है पहला पहर, तू आँख जो खोले तो ढाए कह। तो ये जो एक म्यूज़िक गाना कमाल का था, बादशाह का, उस पर रैपिंग का एक सॉन्ग था नमः शिवाय वाला, वो भी कमाल का था। तो ये 1 साल पुराना है फिलहाल, लेकिन अब 2 साल हो चुके हैं। 28 अक्टूबर को ही फिल्म रिलीज़ हुई थी और ये पोस्टर एक रिलीज़ किया है मेकर्स ने, कहाँ गया ये वाला पोस्टर। और ये फिल्म बहुत करीब है मेरे दिल से और इसका ट्रेलर मैं और 100 दफ़ा देख सकता हूँ। आप यकीन नहीं करोगे, मुझे पागल कहोगे, लेकिन मैं कई बार वापस से देखता हूँ इस फिल्म का ट्रेलर रिएक्शन जो वर्ल्ड ओवर के लोगों ने देखा था, किया था। उन्होंने भी कहा था कि वन ऑफ द बेस्ट एक्शन फिल्म है इंडिया की तरफ से और इसका लेवल किसी भी तरह से हॉलीवुड फिल्म के लेवल से कम नहीं है। तो सैल्यूट टू शिवाय, इस फिल्म का इंतज़ार बहुत बहुत वक्त से है। आई विश अजय देवगन इस पर ध्यान दे और जल्द से जल्द शिवाय टू लाए। बहुत बेसब्री से इंतज़ार है इस दिल को, ठीक है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। कमाल फिल्म, मैं देखूंगा आज एक दो बार और ट्रेलर देखूंगा दिल खुश करने के लिए। चलिए फिलहाल कितना ही।